हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि है इशू ऑफ डिबेंचर्स। 8 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आ रहा है, तो इस वीडियो में पूरे 8 मार्क्स की तैयारी मैं आपकी कराने वाला हूँ। कैसे कराऊंगा? मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? जितने भी टॉपिक्स आपके उस चैप्टर में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे कभी पहले क्वेश्चंस आया है या आपके एग्जाम्स में आ सकता है, वो सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहले डिबेंचर्स नहीं पढ़ा है, या आपने सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ट्रस्ट मी, सिर्फ इस एक वीडियो से आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है, राइट? तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है। ए लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, 30 ऑन फाइनल कॉल। याद आ रहा है कुछ? अगर आपने डिबेंचर नहीं पढ़ा तो शेयर्स आपको याद आ रहा होगा, है ना? देखो, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2400 डिबेंचर्स। आपने इशू कितने करे, कंपनी ने कितने इशू करे, 2000 डिबेंचर्स। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए करे, 2400, ओवर सब्सक्रिप्शन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बहुत सारे बच्चे डिबेंचर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। देखो, राइट, देखो उसके बाद क्या है। एप्लीकेशंस फॉर 1800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। 2400 की आपके पास एप्लीकेशन आई है, 1800 की आपने एक्सेप्ट कर ली। 400 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 200 डिबेंचर्स, दिस इज प्रोराटा। याद आया? प्रोराटा। याद नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। एप्लीकेशन फॉर 200 वर रिजेक्टेड, रिफंड कर दिया। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में है क्या, देखो अब कंपनी ने किया क्या, कंपनी ने बेसिकली जो इशू करे हैं डिबेंचर्स, जो कंपनी इशू कर सकती है वो है 2000 डिबेंचर्स, यस और नो? लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई किया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 2400 डिबेंचर्स। अब कंपनी 2400 में से 2000 डिबेंचर्स ही दे सकती है, तो कंपनी ने क्या किया, 2400 में से 1800 को तो पूरे पूरे डिबेंचर्स दे दिए, जितने भी 1800 की एप्लीकेशंस थी उनको पूरे दे दिए। उसके बाद जो बाकी 400 की एप्लीकेशंस थी इनको दिए 200। सो दिस इज प्रोराटा। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इशू करे, 400 को 200 दे दिए, अच्छा ठीक है, दिस इज प्रोराटा जो हमें डिस्कस करना है। द नेक्स्ट वन इज, जो बाकी 200 बच गए उसको बोला बाय बाय टाटा, आपको हम कुछ नहीं दे सकते, मतलब आपने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, क्या कर दिया, उनके पैसे वापस कर दिए, पैसे वापस कर दिए। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। कैसे करते थे, अगर याद नहीं है घबराने की बात नहीं है, देखो मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, डेट में आपको डेट गिवन नहीं है तो लिख दो 1। सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन के अमाउंट रिसीव होता है, पब्लिक डिबेंचर्स की एप्लीकेशन का अमाउंट आपको देती है। आपने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब सोचो कितनी डिबेंचर्स से आप इसको डेबिट करोगे। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है कि भाई आपके पास 2400 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन 20 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, विच मीन्स 48,000। कितना आ गया ये, 48,000 टू किस चीज़ के, डिबेंचर एप्लीकेशन के। जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है वो किस चीज़ का है, वो डिबेंचर एप्लीकेशन का मनी है, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट, कितना, 48,000। नरेशन जरूर लिखना, क्या लिखोगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिबेंचर एप्लीकेशन, जो भी आपको लिखना हो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किस चीज़ की एंट्री, कि जो आपको एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ है, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, जो आपको ये एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है अमाउंट, कितना, 48,000, ये आप डिबेंचर के अकाउंट में कितना डालोगे, राइट, पैसे रिफंड कितने करोगे। तो बेसिकली इसकी वर्किंग अब आप करने वाले हो, ध्यान से सुनो कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कि भाई डिबेंचर अकाउंट में कितने जाएंगे, जो आपका 9% डिबेंचर है इस अकाउंट में कितने जाएंगे। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि जितने भी डिबेंचर्स कंपनी अलॉट कर सकती है, कितने कर सकती है, 2000 कंपनी अलॉट कर सकती है, 2000, तो हमेशा 2000 से ही जाएंगे जितने डिबेंचर अलॉट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय उसकी फेस वैल्यू 20 रुपीज़, विच मीन्स 40,000। तो 40,000 तो आपका डिबेंचर का पार्ट बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया है, एक तो आपने 200 प्रोराटा किया, प्रोराटा बेसिस पे किया, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, और 200 आपने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, तो जो रिफंड कर दिया वो भी आसान है, तो आपने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, जिन भी डिबेंचर्स को आपने रिफंड करा है, कितने डिबेंचर्स को, 200 डिबेंचर्स को, 200, 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 4000, ठीक है।
प्रोराटा को फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं, अगर आप भूल गए हो फटाफट से देखो आप क्या करते हो। जिन भी डिबेंचर्स ने 400 रुपए की एप्लीकेशन दी है, 400 रुपीज की एप्लीकेशन दी है, उनको आप 200 डिबेंचर्स देते हो। अच्छा ठीक है, अब आप पूछोगे सर बाकी 200 डिबेंचर का क्या हुआ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रोराटा में क्या होता है, कंपनी पैसे वापस नहीं करती है, कंपनी क्या बोलती है कि आपने मुझे एप्लीकेशन पे कितना पैसे दिया है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना दिया है, 400 डिबेंचर्स और 20 रुपीज की एप्लीकेशन, करेक्ट कितना हो गया ये 8000, ठीक है 8000 रुपीज आपने दिया है, ठीक है, लेकिन 400 के बदले आप कितने डिबेंचर्स दे रहे हो 200, तो मैंने यहाँ पे बोला अमाउंट एडजस्टेड, अमाउंट आपने एडजस्ट कितना किया है एप्लीकेशन पे, एडजस्ट कितना किया है 200 डिबेंचर्स का, 200 डिबेंचर्स का 20 रुपीज 4000, तो आपने 4000 रुपीज एडजस्ट किए, जो बाकी 4000 बच गए, बाकी 4000 जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, देखो मैंने कंपनी को कितने 400 डिबेंचर्स के पैसे दिए, मुझे मिले कितने 200 डिबेंचर्स, 400 के बदले 200 मिले हैं, तो मैंने तो 400 रुपए के पैसे दिए राइट, तो 200 रुपए के फालतू दे दिए, एक्सेस दे दिए, तो कितना एक्सेस आ गया यहाँ पे, एक्सेस आ गया 4000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली कंपनी क्या बोलती है कि मैं आपको ये 4000 रुपए जो आपने एक्सेस दिए हैं वो वापस नहीं कर रही हूँ, इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको आगे इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दूंगी। भाई मैंने आगे अलॉटमेंट का पैसा भी तो देना है, तो कंपनी क्या बोलती है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, तो अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना 4000 रुपीज, तो अलॉटमेंट में अब आपको 4000 रुपीज कम मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, आपने बाकी 2000 क्या किए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, कितना 4000 रुपीस। यस नो, समझ में आया, यही हमने शेयर्स में किया था, बिल्कुल सही। इसके बाद देखो क्या होता, इसके बाद आप डिबेंचर से अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हो राइट, तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, देखो थर्ड एंट्री क्या करोगे, आपने डिबेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। अब कितने से डेबिट करोगे, आपने डिबेंचर्स अलॉट कितने करे हैं 2000, कितने अलॉट करें 2000, अलॉटमेंट है कितने का 20 का राइट, तो कितने ड्यू हो गए 40000, कितना आ गया ये 40000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 40000, और इसको आप ट्रांसफर कर देते हो 9% डिबेंचर अकाउंट में, 9% डिबेंचर अकाउंट। अब मुझे सोच के बताओ कि भाई ये तो बताओ 40000 जो आपको डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मिलने हैं क्या पूरे मिलेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 40000 में से 4000 तो आपने एप्लीकेशन के एडजस्ट कर दिए। भाई इन डिबेंचर्स को आपने क्या बोला था कि आपके 4000 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, मतलब क्या था कि अब इन डिबेंचर्स को जो ये इस कैटेगरी के डिबेंचर्स थे इनको अलॉटमेंट के पैसे को देने की जरूरत नहीं है, अलॉटमेंट पैसा ये नहीं देंगे, तो आपको अमाउंट रिसीव कितना होगा जरा वो देखो। ये मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो 40000 मिलना था, 40 में से 4 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा 36000। यस नो, सिंपल, क्या समझ में आया, याद आया प्रोराटा ओवर सब्सक्रिप्शन, यही केस था। इसके बाद आप क्या करते हो, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट भी ड्यू कर देते हो। ये आपने यहाँ पे लिखा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर कितने से आएगा, देखो है क्या, फर्स्ट कॉल कितने की है 30 रुपीज़ की, आप डिबेंचर कितने अलॉट कर रहे हो 2000, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 60000, करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही। अब देखो फर्स्ट कॉल का तो पूरा पैसा मिलेगा, यस और नो, फर्स्ट कॉल में तो कुछ अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ, तो ये जो 60000 रुपीज़ है दोस्तों, ये 60000 आपको पूरा मिलने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। आई नो इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने आपको करा दिया। डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितने से 60000 रुपीज से, 60000 एंड 60000, डन है राइट। इसके बाद आती है फाइनल कॉल की, तो जैसे आपने फर्स्ट कॉल की करी है एग्जैक्ट आप फाइनल कॉल की भी कर लोगे इजी। मेन जो एंट्री थी वो मुझे आपको बतानी थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, बस यही दो एंट्री थी इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान से करनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन डन, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा मैंने आपको बता दिया, फटाफट से आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे देखो। ओके सर, क्वेश्चन नंबर टू अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा कि इसमें कौन सा टॉपिक है। देखो अलॉक लिमिटेड इश्यूड 7000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 50 पर डिबेंचर, फेस वैल्यू कितनी है 500 रुपए, 50 रुपए क्या है आपका प्रीमियम, तो एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई 550, ठीक है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ये एक टॉपिक है
आपके बुक का एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, कि रिडम्पशन पे अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसकी एंट्री आपको इशू के टाइम पे करनी है। अभी समझाऊंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 200 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। जर्नल एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है, तो पहले आप क्या करो, जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखो राइट, तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे, आपने डिबेंचर्स इशू करें है ना, यही तो है। आपने 7000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, ठीक है। आपको बोला गया 200 आपके आ रहे हैं एप्लीकेशन पे, बाकी अलॉटमेंट पे। तो एप्लीकेशन की एंट्री तो करो, उसके बाद बताता हूँ। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से करोगे? आपने इशू करे 7000 डिबेंचर्स और आपके एप्लीकेशन का जो मनी है वो है 200 रुपीज, तो 7 × 14 1, 2, 3, 4, 5 राइट। तो ये हो गया आपका 14 लाख रुपीज। किस चीज का है ये? डिबेंचर एप्लीकेशन का। तो डिबेंचर एप्लीकेशन आपने क्या कर दी? डेबिट। सो डिबेंचर एप्लीकेशन आपने कर दी, क्रेडिट कितना? 14 लाख रुपीज। नरेशन जरूर लिखना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, डन है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद ये जो आपने अमाउंट रिसीव किया है इसको आप डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपने डेबिट किया, किसमें ट्रांसफर कर दिया? 10% डिबेंचर्स। कितने परसेंट डिबेंचर है? 10%। जिन बच्चों को नहीं पता इस 10% का मतलब क्या है, कि इस डिबेंचर्स पे, डिबेंचर क्या है? लोन। डिबेंचर इज अ लोन, आपने पब्लिक से लोन लिया है, इस पे आपको 10% का इंटरेस्ट पे करना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर अकाउंट, करेक्ट है। कितने का? 14 लाख रुपीज का। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं, कॉन्सेप्ट कहता क्या है। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जब आप पैसे वापस करोगे। मान लो अभी आपने क्या किया, अभी आपने 500 रुपए का डिबेंचर इशू किया है ना, इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी है, हाँ जी ये कंपनी है और ये पब्लिक है राइट। तो पब्लिक ने आपको 500 रुपए दिए, बिल्कुल दिए, और आपने अपने कंपनी के उसको एक डिबेंचर दे दिया, दिस इज डिबेंचर सर्टिफिकेट, करेक्ट है। इस डिबेंचर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर फाइव ईयर्स इस 500 रुपए के बदले आप उसको क्या दोगे? 10% प्रीमियम के साथ दोगे। 10% प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? 550, तो आप उसको 550 रुपए दोगे। रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब, रिडीमेबल मतलब जब उसकी रीपेमेंट होती है, आपने लोन लिया है, लोन वापस करोगे 5 साल बाद, रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब जितने पैसे आपने लिए हैं उससे ज्यादा वापस कर रहे हो। आपने कितने लिए? 500, जितने भी लिए आपने, ठीक है 500 लिए, आप उसको 10% प्रीमियम के साथ दे रहे हो, तो कितना दे रहे हो आप? 550। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब देखो आपको पता है कि 5 साल बाद आपको लॉस होने वाला है, हाँ या ना? आपको पता है कि भाई आपकी लायबिलिटी होने वाली है, आपको लॉस होने वाला है, यस और नो? तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 11th में, प्रूडेंस। अगर आपको पता है आपका लॉस होने वाला है तो वो लॉस आप आज ही रिकॉर्ड करते हो, यस और नो? तो ये जो 50 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है, इस 50 रुपीज के लॉस को आपको आज ही रिकॉर्ड करना होता है जो इस कॉन्सेप्ट में है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? देखो ये जो 50 रुपीज है, ठीक है, ये कंपनी के लिए क्या है? लॉस। तो कंपनी क्या करती है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने से लॉस हुआ है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से? 50 रुपए से राइट। ये 50 रुपीज एक तो लॉस हुआ और ये 50 रुपीज आपको पे भी करने हैं, 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं ना राइट। तो ये आपकी क्या बन जाती है? ये आपकी लाइबिलिटी, और क्या नाम होता है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब रिडम्पशन के टाइम पे आपने प्रीमियम पे करना है, तो आपने अभी से ही उसकी लाइबिलिटी बना दी कि भाई मुझे 50 रुपए पे करने हैं, बस इतना कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने लॉस रिकॉर्ड किया, कितने का? 50 रुपीज का, कि मुझे लॉस हो गया भाई, मैंने डिबेंचर आज इशू करे राइट, डिबेंचर जो इशू करे हैं ये मैंने लॉस पे करे हैं, मतलब कि मैंने लिए तो 500 हैं, दूंगा कितने? 550, लॉस हो गया। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब कि भाई लाइबिलिटी पे करनी है, रिडम्पशन का प्रीमियम, क्या मेरी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में इसकी एंट्री कैसी होगी, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दो आपकी इंस्टॉलमेंट है, तो हमेशा जैसे SPR की एंट्री कुछ मेंशन नहीं होता तो अलॉटमेंट पे करते हो, वैसे ही लॉस की एंट्री आपको किस पे करनी है? अलॉटमेंट पे। ध्यान से देखो कैसे, ये आ गया हमारी थर्ड एंट्री, ठीक है। अलॉटमेंट कितने की है? देखो 500 रुपए का डिबेंचर था, आपने इशू किया है 50 रुपीज के प्रीमियम पे, दिस इज SPR, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व राइट। तो मुझे बताओ 550 का डिबेंचर था, 200 आपके एप्लीकेशन पे है, तो अलॉटमेंट पे कितने हैं? 350,
टोटल डिबेंचर 550 रुपये का है ना, आपने पब्लिक से 550 लेने हैं, 200 एप्लीकेशन पे लिए, बचे हुए अलॉटमेंट पे आएंगे 350, तो आपने डिबेंचर अलॉटमेंट को करा डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, करेक्ट। ठीक है, कितने से करोगे, कितने डिबेंचर्स हैं आपके, डिबेंचर 7000 मल्टीप्लाई किया कितने से, 350 से, कितना आ रहा है जरा भाई, इसके लिए हमें चाहिए कैलकुलेटर, 7000 मल्टीप्लाई बाय 350, 24,50,000, 24,50,000। पहले तो जो आप नॉर्मल एंट्री करते हो ना, बिल्कुल वही एंट्री करो, आप इसको ट्रांसफर करते हो डिबेंचर्स में, 29% डिबेंचर, आपको पता है 9% डिबेंचर जो मेन अकाउंट है उसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो इसमें कितना अमाउंट जाएगा, 7000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 300, कितना चला गया, 21 लाख, इसमें चला गया आपका 21 लाख, राइट। और बाकी क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इशू के टाइम पे जो प्रीमियम आपको रिसीव होता है वो क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप पढ़ चुके हो बहुत बार, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, 50 रुपीज़ का है, 7000 डिबेंचर्स हैं, 50 रुपीज़ का SPR है, मतलब 350,000। ये तो नॉर्मल एंट्री है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनो, जो आपको लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ना भाई, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो देखो, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी कैलकुलेट करना है हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि डिबेंचर था 550 का, तो 550 का 10%, नहीं नहीं नहीं, फेस वैल्यू कितनी है, 500 रुपये, तो प्रीमियम जो निकालना है वो किस पे निकालोगे, फेस वैल्यू पे, तो प्रीमियम कितना आ गया आपका, 10%, मतलब 50 रुपये, राइट। अब एंट्री कैसे होगी, देखो 50 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है, आपने किया डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, करेक्ट। 7000 डिबेंचर है, क्या है आपके, 7000 डिबेंचर्स, और 50 रुपीज़ का आपका क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना आ गया ये, अगेन 350,000, राइट, कितना है, 350, और यही आप कहाँ डाल दोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, 350,000 बस। तो ये जो मैंने अभी आपको ब्लैक पेन से लिख के दिखाया, ये है जो एडिशनल एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, कब, जब रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद क्या होता है, आपको अमाउंट रिसीव होता है, फोर्थ एंट्री, अमाउंट रिसीव होगा, अमाउंट कितना रिसीव होगा, 24,50,000, कितना होगा, 24,50,000, तो आपने यहाँ लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 24,50,000 टू आपका डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ गया, 24,50,000। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सो दिस वॉज द सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट निपटा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, दीपक लिमिटेड, ठीक है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा, दीपक लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ 220 फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट, 50% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड फॉर द बैलेंस द कंपनी इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अरे बाबा रे बाबा, क्या लिखा हुआ है, पहली बात तो टॉपिक कौन सा है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, कुछ भी हो जाए पक्का आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपका जरूर आने वाला है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक से हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, देखो, ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है जो आपने एसेट्स परचेज करे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एसेट्स आपने परचेज करे हैं वो क्या है, फर्नीचर, तो आपने किया फर्नीचर को डेबिट, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट आपने कर दिया डेबिट, कितने से, 2,20,000 से, 2,20,000 से। उसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा, जिससे आपने परचेज किया, किससे परचेज किया, फर्नीचर मार्ट, आपका कौन है, वेंडर, आपने इस वेंडर को 2,20,000 रुपीस देने हैं टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट, है ना, टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट, ये आपने लिखा, बिल्कुल लिखा, कितना लिखा आपने, 2,20,000 रुपीज़, 2,20,000 आपने फर्नीचर परचेज करे, आपने इसको 220 देने, उसकी एंट्री आपने रिकॉर्ड कर ली है, कर लिया भाई। सेकेंड एंट्री क्या होगी, देखो आपने बोला कि उसको अमाउंट पे कैसे किया, सेकेंड एंट्री किसकी होती है, अमाउंट पेमेंट की, कैसे पे किया, जब पे करोगे
तो मैसर्स फर्नीचर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। भाई मैसर्स फर्नीचर कौन है? एक तरीके का क्रेडिटर है। जब आप इसको पेमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। मैसर्स फर्नीचर मार्ट, मैसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट आपने क्या किया? डेबिट। कितने से? 2,20,000 से डेबिट कर दिया। हाँ जी बिल्कुल डेबिट कर दिया। अब सुनो कैसे पेमेंट करिए। 50% वॉज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपको 11th का बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद नहीं है तो सुनो होता क्या है, ठीक है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ बायर जिसने फर्नीचर परचेज किया और आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। मैं आपको पे करूंगा, बिल्कुल सही। आप कौन हो? सेलर जिसने मुझे फर्नीचर सेल किया और आपको पैसे मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि मैं 50% अमाउंट अभी दे नहीं सकता, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप एक बिल बनाते हो। बिल मतलब एक डॉक्यूमेंट, उस पर लिखते हो कि भाई दीपक मतलब मैं 2-3 महीने बाद 50% अमाउंट दे देगा। कितना? 50% कितना होगा? 1,10,000। और आप मुझे कहते हो कि साइन कर दो। तो एक तरीके से वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। आपने मुझसे एक कागज पे, एक पेपर पे साइन कराया कि 2 महीने बाद मैं आपको 1,10,000 दे दूंगा। उसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मेरे लिए क्या है, दीपक के लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी, समझ लो जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा। मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पेमेंट करनी है, समझ रहे हो, मैंने आपको पेमेंट करनी है। तो उस लाइबिलिटी के लिए क्या आता है, बिल्स पेबल अकाउंट। कि मैंने अभी अपने बिल्स पे करने हैं, बिल्स पेबल अकाउंट। 50% मतलब 1,10,000, सिंपल। समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी क्या है, बाकी अनबैलेंस द कंपनी इशू 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मेरे पास ज़रा ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने बना दिया वर्किंग नोट, ठीक है। हाँ जी, आपको क्या बोला गया कि भाई अब आपने 1,10,000 रुपये देने, मैंने आपको 1,10,000 देने। कैसे पे कर रहा हूँ? अपनी कंपनी के डिबेंचर देके, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड 1,10,000 कितने पे करने हैं, 110। क्यों? क्योंकि 2,20,000 में से आधे तो आपने बिल पे साइन कर दिए, बाकी 1,10,000 देने हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आपने डिबेंचर इशू करा, अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब यहाँ लिखो इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर कितना है, 110 रुपये। हाँ या ना भाई, मेरी कंपनी के डिबेंचर मैंने प्रीमियम पे इशू करे हैं 10% पे, 100 रुपये का फेस वैल्यू, 10 का प्रीमियम, 110 रुपये का। तो मुझे बताओ, मैंने आपको 1,10,000 रुपये देने हैं, एक डिबेंचर मेरा 110 रुपये का, तो मैं आपको कितने डिबेंचर दूंगा? सबसे पहले मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितने दूंगा भाई, मैंने 1,10,000 देने हैं, चलो देने हैं, डिवाइड किया 110 से, इसका मतलब मैं आपको देने वाला हूँ 1,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स आ गए आपके, आ गए 1,000 डिबेंचर्स। तो मैं आपको अपनी कंपनी के 1,000 डिबेंचर्स दूंगा। देखो एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से मेरी बात सुनो, एंट्री आप क्या पास करोगे, आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं, मैंने आपको डिबेंचर इशू करे हैं, तो एक तो आपका आ जाएगा 2,9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से। कितने डिबेंचर्स हैं, 1,000, 100 रुपये की फेस वैल्यू, बिल्कुल सही। तो कितना हो गया, 1,00,000 रुपये। बाकी जो 10,000 रुपये हैं, बाकी 10,000 रुपये आप कैसे पे करो, प्रीमियम। 10,000 का प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, करेक्ट है। तो 1,000 डिबेंचर्स और 10 रुपये का डिबेंचर है तो कितना आ गया, 10,000 रुपीज़। कितना आ गया ये, 10,000 रुपीज़। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि आप डिबेंचर इशू कितने कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। और इसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ये है जो आपने अमाउंट पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है, 1,10,000 का अमाउंट आपने पे करना है। और ये है आपकी इशू प्राइस कि एक डिबेंचर है कितने का, 110 रुपये का, तो कितने डिबेंचर दूंगा, 1,000 डिबेंचर दूंगा, सिंपल है या नहीं है, राइट। और उसके हिसाब से आपने क्या कर दी, एंट्री कर दी। आपने 1,000 डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये का डिबेंचर, 10 का प्रीमियम, और ये क्या आ गया, आपकी एंट्री आ गई। बात समझ में आई, 3 नंबर आपकी जेब में, राइट। अब देखते हैं इसका, इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और जिसमें अलग क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है, अव्युक्त लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर 40,00,000 रुपीज, टुक द लाइबिलिटीज एट 7,00,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 32,40,000। पहले तो यहां तक समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अव्युक्त लिमिटेड मैं हूं, ठीक है, आप हो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड,
मैंने आपके बिजनेस को ही खरीद लिया, आपके एसेट भी ले लिए, आपकी लाइबिलिटी भी ले ली, और मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि मैं आपको दूंगा 32,40,000। पहली बात, ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ मैंने बनाया वर्किंग नोट, इसके नीचे बनाऊंगा जर्नल, ठीक है। एसेट्स कितने एक्वायर करें, एसेट्स कितने एक्वायर करें, 40 लाख रुपीज़ के। अच्छा ठीक है, 40 लाख रुपीज़ के मेरे पास एसेट्स आ गए, साथ में लाइबिलिटीज़ भी आई है, कितने की, 7 लाख की। भाई 40 लाख के एसेट्स हैं तो पहले तो मैं 7 लाख रुपए की लाइबिलिटी पे करूंगा, तो मेरे पास नेट एसेट्स कितने हैं। नेट एसेट्स का मतलब होता है बचे हुए एसेट्स लाइबिलिटी को पे करने के बाद, लाइबिलिटी पे करने के बाद मेरे पास जो एसेट बचेंगे, नेट एसेट्स। तो मुझे बताओ मेरे को एसेट्स कितने के मिल रहे हैं, 33 लाख के। कितने के मिल रहे हैं, 33 लाख के। एक्चुअल वैल्यू एसेट कितनी है, 33 लाख। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 33 लाख, बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ जब मैं 33 लाख के आपसे एसेट खरीद रहा हूँ, जो नेट एसेट्स हैं, मैं आपको कितने पे करूंगा, 33 लाख। लेकिन नहीं, मैंने आपको कितने पे करे, 32,40,000। इसके बदले मैंने पे कितने करे, 32,40,000। पहली बात तो इस 32,40,000 को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, परचेज कंसिडरेशन। क्या मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन का, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो भी मैंने आपसे एसेट्स परचेज करे हैं उसके बदले मैं आपको पे कितना कर रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन। कितना पे कर रहा हूँ, 32,40,000। क्यों कर रहा हूँ, सोचो क्यों कर रहा हूँ भाई। मैंने 33 लाख पे करना था लेकिन 32,40,000 पे कर रहा हूँ। हो सकता है कि भाई आपकी कंपनी खराब हो, कुछ भी हो, राइट, तो मैं आपको पैसे कम पे कर रहा हूँ। कैसे एंट्री होगी इसका, जरा ध्यान से देखो, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, बहुत मजा आएगा आपको। देखो देखो, सबसे पहले आप ये जर्नल एंट्री किसकी कर रहे हो, अव्युक्त लिमिटेड की, अव्युक्त लिमिटेड की कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपने एसेट्स परचेज करे, तो आपने एसेट्स को किया डेबिट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट हो गया डेबिट। कितने से एसेट्स परचेज करें, 40 लाख से। अच्छा ठीक है, फिर आपने लाइबिलिटीज भी तो एक्वायर कर ली, 2 लाइबिलिटीज अकाउंट। अच्छा 2 लाइबिलिटी अकाउंट कितने से, 7 लाख से, राइट, बिल्कुल सही, 7 लाख से। और अब देखो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि एसेट परचेज करें और मुझे पैसे पे कितने करने हैं, मुझे जो स्ट्रांग लिमिटेड को पे करने हैं, टू स्ट्रांग लिमिटेड, वो मैंने कितने पैसे पे करने हैं दोस्तों, 32,40,000, यस और नो। अब बाकी के जो 60,000 बच गए, ये तो हो गया 33 लाख, बिल्कुल सही, और ये है 32,40,000। जो बाकी के 60,000 है वो मेरे लिए क्या है, मुझे तो फायदा हो रहा है भाई। 33 लाख, 33 लाख के एसेट्स परचेज करने पे मैं आपको 32,40,000 पे कर रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाता है दोस्तों, कैपिटल रिजर्व में। कितना, 60,000 रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आ गई, देखो ध्यान से सुनो, इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करते हैं। यहाँ आप पैसे कम पे कर रहे हो, आपके नेट एसेट ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो हमने क्या बोला, कैपिटल रिजर्व। इन केस उल्टा होता कि परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा होती, तो जितनी ज़्यादा होती ना, वो हम कहाँ डाल देते, गुडविल में। कहाँ डालते, गुडविल, क्योंकि मैं अगर एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहा हूँ तो मैं कंपनी की गुडविल के लिए पे कर रहा हूँ। यस नो, बात समझ में आ गई। यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर आपके क्रेडिट साइड पे आ रही है तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड पे आ रही है तो गुडविल। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो कि मुझे स्ट्रांग लिमिटेड को पे कैसे करना है, मैं उसको पे कैसे कर रहा हूँ, देखते हैं। पेमेंट वॉज मेड बाई इशूइंग 10% डिबेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। मैं 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन मैं इशू कितने पे कर रहा हूँ, 15% डिस्काउंट पे, तो मेरे डिबेंचर की इशू वैल्यू कितनी है, 85। कैसे, देखो वर्किंग नोट में हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वर्किंग नोट, ठीक है। पहली बात तो मुझे पे कितना करना है, अमाउंट टू बी पेड, मुझे पे कितना करना है, जरा वो देखें, कितना पे करना है, 32,40,000, राइट। अब मुझे सेकेंड चीज़ क्या चाहिए होती है, अपने डिबेंचर की इशू प्राइस, तो मैंने यहाँ लिखा इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। इशू प्राइस कितना आएगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है, कितना आएगा इशू प्राइस। आपने बोला है 100 रुपये का डिवेंचर 15% के डिस्काउंट पे दे रहे हो, 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 15, तो 15% 100 रुपये का कितना होता है, 15 रुपये, तो ये आ गया 85। ये सुनो, तो अब आप क्या निकालोगे कि आपको कितने डिवेंचर देने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सर ये तो सेम है, अलग क्या है, अभी देखो ध्यान से सुनो, 32,40,000 को जब आप 85 से करोगे डिवाइड, करो फटाफट से करो, 32,40,000 डिवाइडेड बाई 85, ये आपका आएगा डेसिमल में, कितना डेसिमल आ रहा है मैं आपको लिख के बताता हूँ, 38
117.64, ये डेसिमल आ रहा है सर, अब क्या करेंगे? क्या डिबेंचर डेसिमल में इशू हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे? कभी भी डिबेंचर आपको डेसिमल में नहीं लेने हैं, हमेशा जो कंप्लीट डिबेंचर्स हैं, कंप्लीट कितने हैं? 38117, इतने ही डिबेंचर्स आपको लेने हैं। सर बाकी क्या होगा अभी बताऊंगा। तो आप डिबेंचर्स कितने इशू करोगे? 38117, डेसिमल को हटा दो, जितने भी डिबेंचर आएंगे कितने हैं? 38117। अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। ध्यान से देखो, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। देखो आपने क्या किया, स्ट्रांग लिमिटेड को डेबिट किया, स्ट्रांग लिमिटेड आपने किया डेबिट। कितनी पेमेंट करनी है? 32 लाख 40 की। कैसे पे कर रहे हो? डिबेंचर को इशू कर रहे हो। तो 2 कितना परसेंट डिबेंचर है भाई, कितना परसेंट डिबेंचर है आपका? 10%, आपका 10% डिबेंचर है। तो 2 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट, बिल्कुल सही। अब इसको कितने से करोगे क्रेडिट? आप डिबेंचर इशू कर रहे हो 38117, यस और नो? 38117 मल्टीप्लाई बाय 100, डिबेंचर अकाउंट जो है वो हमेशा फेस वैल्यू से जाता है, राइट? तो ये आ गया 38117, करेक्ट है। अब डिस्काउंट भी इशू करा है तो डेबिट क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू, यस और नो? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जितना भी आपने डिस्काउंट दिया है वो कंपनी के लिए तो नुकसान ही है ना भाई, क्या करोगे? डेबिट करोगे ऑफ डिबेंचर। ये कितने से डिबेंचर कितने? 38117, और डिस्काउंट कितना है? 15 रुपए का, तो मल्टीप्लाई किया 15 से। अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है ये? 571755, ये आ रहा है आपका। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, ये आपका अमाउंट आ रहा है। अब डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट, आपका डेबिट आपके क्रेडिट से इक्वल होना चाहिए। अब मुझे बताओ हो रहा है क्या? 32 प्लस ये, इसमें 32 लाख प्लस करेंगे, राइट? जब दोनों को आप प्लस कर रहे हो तो दोनों को प्लस करने पे आपका जो अमाउंट आ रहा है वो है 38117 55। ओके, मतलब 55 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? क्रेडिट साइड पे, यस और नो? इसका 55 का क्या करेंगे भाई? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये आप डाल दोगे कैश में। कहाँ डाल दोगे? कैश में। सर समझ में नहीं आया, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुनो, आपको डिबेंचर इशू करने थे, आपने करे। डिबेंचर अगर डेसिमल में आ रहे हैं तो डेसिमल आपको कंसीडर नहीं करना, पूरे कंप्लीट डिबेंचर्स लोगे। कितना आया? 38117 आया। कितना है? 38117, ठीक है। आपने पेमेंट करनी थी 32 लाख 40 की, आपने कर दी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना आ गया? 38117 डिबेंचर्स है, 15 रुपए का डिस्काउंट है, उसको आपने मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 38117 55, और डिबेंचर आपने कितने के इशू करे हैं? 38117 00। क्यों? क्योंकि वो डेसिमल जो आ रहा था उसकी वजह से। तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 55, वो आप किस में सेटल कर रहे हो? कैश में, कैश या बैंक में। तो जब भी आपके डिबेंचर डेसिमल में आएंगे तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी वो हमेशा कैश या बैंक में आपको सेटल करना है। इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझ में आए जो हमने आज 4 क्वेश्चंस करे हैं, राइट? फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। अगेन नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने जो इशू ऑफ डिबेंचर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, उसको कवर किया। फिर टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कि भाई रिडेम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो उसकी एंट्री क्या होती है, वो हमने देखा। नेक्स्ट हमने किया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीन टॉपिक, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, कोलेट्रल सिक्योरिटी। देखो क्या है, यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल मतलब आपने मशीनरी वगैरह कुछ भी रखी होगी, राइट? ठीक है, इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल जो मेन सिक्योरिटी है, जो आपने अपना बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी रखा होगा, इन एडिशन उसके अलावा आपने क्या किया? उसके अलावा आपने इशू करे 10,000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। आपने 10,000 डिबेंचर भी आपने बैंक के पास रखवा दिए एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है? एक तो होगी आपकी प्राइमरी जो आपका एसेट है, और आपने डिबेंचर भी रखवा दिया। आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और बैलेंस शीट में इसकी प्रेजेंटेशन दिखानी है। ट्रस्ट मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं कि इसकी एंट्री क्या होती है, देखो, राइट? सबसे पहले जो आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है ना, वो होती है बैंक लोन की। आपने बैंक का लोन लिया तो देखो, एक तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, तो आपने क्या किया, बैंक अकाउंट को करा डेबिट। कितने से? 15 लाख से, बिल्कुल सही, आपने 15 लाख से इसको करा डेबिट। और क्योंकि आपकी ये लाइबिलिटी है भाई, वापस भी तो करने हैं, टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट, बिल्कुल सही,
ठीक है, ये आपका कितना आ गया 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख ये आपने यहाँ पे लिख दिया, डन है। आपने बैंक से लोन लिया, आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आती है मेन एंट्री कि भाई आपने क्या किया, डिबेंचर इशू करे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसकी जो एंट्री होती है ना उसका कुछ खास मीनिंग नहीं है, जबरदस्ती की एंट्री है। क्या एंट्री है, सबसे पहले जितने भी आपने डिबेंचर इशू करे हैं 10,000 डिबेंचर इशू करें 100 ईच, तो जब 10,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से कितना आएगा 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ के आपने डिबेंचर इशू करें, कितने डिबेंचर्स 11%, तो ये तो हो गया क्रेडिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। यस नो, डिबेंचर आपका क्या होता है, एक तरीके से लोन, ठीक है। आपने ये इसको कर दिया क्रेडिट 10 लाख रुपीज़। अब देखो, क्योंकि आपने ये डिबेंचर एक्चुअली में इशू नहीं करें, क्या आपने इशू कर दिए, नहीं, अभी तो बस आपने वो सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट बैंक के पास रखवाया है और क्या बोला कि सुनो भाई साहब, बैंक वाले सुनो, मैंने डिबेंचर आपके पास रखवा दिए, इन केस अगर मैं आपका लोन रीपे नहीं कर पाई तो वो डिबेंचर आप यूज़ कर सकते हो। अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़बरदस्ती की एंट्री। भाई कितना डिबेंचर वो यूज़ करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता। इसलिए आप जो डेबिट करते हो वो क्या होता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। पता ही नहीं है ना कि कितने इशू करोगे, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, बिल्कुल सही, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने से, 10 लाख रुपीज़ से, 10 लाख रुपीज़ से। क्या मेरी बात समझ में आई। ये एंट्री होती है कब होती है ये एंट्री, जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। डिबेंचर सस्पेंस क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये डिबेंचर कैसे यूज होने वाले हैं, क्या होने वाला है, कब इशू होंगे, और 11% डिबेंचर जो आपने बैंक के पास रखवा दिए 10 लाख रुपीज़ के। क्या मेरी बात क्लियर है। अब बैलेंस शीट में कैसे शो होता है, देखो, अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट आपने ये लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो कौन सी होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना बहुत ज़रूरी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। अब देखो इसमें आप क्या शो करोगे, जो डिबेंचर आपने इशू करे हैं ये तो आप शो करोगे नहीं, क्योंकि आपने एक्चुअली में इशू कहाँ करे हैं। इशू का मतलब क्या होता है, आपने इशू करे और आपको पैसा मिला, एक तो ये होता है। क्या यहाँ पे ऐसा हुआ, नहीं, ये तो बस आपने वहाँ पे रखवा दिए। आपने इशू करे, एसेट मिला, जो हमने भी पढ़ा, कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी नहीं है। सिर्फ डिबेंचर आपने बैंक के पास रखवाए हैं, अभी उसकी कुछ खास वैल्यू है नहीं, राइट, तो वो बैलेंस शीट में शो ही नहीं होता है। आपको शो क्या करना है, जो आपने बैंक से लोन लिया है। अच्छा ठीक है, कौन सी हेडिंग के अंदर आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, तो आपने यहाँ पे लिखा नॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में किस में आता है भाई, वो आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने 5-10 सालों के लिए लोन लिया है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओके। नोट नंबर में डाल दोगे, नोट नंबर 1, कितने का लोन लिया था, 15 लाख रुपए का, तो ये आपने यहाँ पे डाल दिया। सर हमने डिबेंचर सस्पेंस तो कहीं दिखाया ही नहीं, इसका तो हमने कहीं इफेक्ट दिखाया ही नहीं, इसका इफेक्ट आपको दिखाना होता है नोट नंबर में। तो नोट नंबर का भी फॉर्मेट होता है, उसको भी बनाते हैं, देखो, राइट। नोट्स टू अकाउंट्स में जो पहला नोट नंबर है आपको एक ही बनाना है, राइट, कौन सा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, राइट। अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है क्या, किस चीज़ की आपने बोरोइंग करी है, वो आपको यहाँ पे दिखानी होती है। जैसे कि आपने लिखा कि भाई टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कितने का, 15 लाख रुपीज़ का, ठीक है। सर अभी तक हमने डिबेंचर्स नहीं दिखाए, अब दिखाऊंगा, ध्यान से देखो। यहाँ आपने लिखा कि आपने डिबेंचर इशू करे, ठीक है, यहाँ आपने लिखा डिबेंचर इशू करे 11%, तो यहाँ आपने लिखा 11% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, कितने के करें, 10 लाख रुपीज़ के, 10 लाख रुपीज़ के। और इसी में से, क्योंकि आपने एक्चुअली में इशू तो करे नहीं है, इसी में से आप डिबेंचर सस्पेंस को लेस करके दिखाते हो कि भाई अभी तो सस्पेंस है, अभी तो कुछ है ही नहीं उसकी वैल्यू, तो आपने लेस करके दिखाया 10 लाख। सर ये क्या मजाक है, एक्चुअली में मजाक है, ठीक है, वैल्यू तो जीरो ही आनी है, बस आपको दिखाना है कि आपने डिबेंचर एक्चुअली बैंक के पास रखे हुए हैं, तो किसी ना किसी तरीके से दिखाना है। आपने दिखा दिया कि हाँ रखे हुए हैं, क्या मेरी बात समझ में आई। 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है और कितना आसान है, 2 जनरल एंट्री करनी है, बैलेंस शीट और नोट्स अकाउंट्स बनाना है फटाफट से, 3 मार्क में कुछ नहीं है, बहुत आसान। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी आपको समझ में आ गया, राइट, फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, अगेन नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइट। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने कर लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा कर लिया, कोलेट्रल सिक्योरिटी हो चुका है, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हो चुका है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी हो चुका है। अब है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, वेंकी लिमिटेड इशूड आपका 1,000 डिबेंचर्स 9%, 100 ईच,
एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अगेन कौन सा टॉपिक आ गया, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कि भाई आपने इशू करा डिस्काउंट पे कर सकते हो, इशू आप पार पे कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे कर सकते हो। आपको बोला कि रिडीम होगा किस पे, प्रीमियम पे 10%, ओके 3 साल बाद। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च। इंटरेस्ट कब कब पेबल है, 30th सितंबर 31st मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करनी होंगी, राइट। फटाफट से बनाओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट और मैं आपको समझाता हूँ कि एंट्रीज कैसे होंगी। देखो तो सबसे पहले तो सबसे इजी एंट्री के डिबेंचर आपने इशू करें। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मेंशन है क्या कि भाई ये 100 रुपये का डिबेंचर कैसे पे हो रहा है? नहीं। तो ये कौन सा केस है, लमसम का। लमसम मतलब सारे पैसे एक साथ मिल जाना, ठीक है। हमने इंस्टॉलमेंट वाला एक बार कर चुके हैं, लमसम वाला हो जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लमसम का मतलब होता है एक ही बार पैसे मिल गए और आपने डिबेंचर अलॉट कर दिए। क्या एंट्री होती है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट आपने किया डेबिट। अब ध्यान से सुनो कितने से होगा, डिबेंचर्स कितने हैं 1000, ठीक है। और एक डिबेंचर कितने का है, फेस वैल्यू है 100 रुपये की, आपने इशू किया 6% डिस्काउंट पे, तो 6 रुपये का आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 94, ये हो गया 94,000 रुपीज़, करेक्ट है। और यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हो, जॉइंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठे क्यों, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट भी साथ साथ हो जाती है, ठीक है, लमसम, राइट, 94,000 एक ही बारी आपने सब कुछ कर दिया। अब सेकेंड एंट्री ध्यान से करो, ध्यान से सेकेंड एंट्री, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से, 94,000 से आपने डेबिट कर दिया। मुझे बताओ जो आपका 9% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, इतना 9% डिबेंचर में कितना वैल्यू जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा फेस वैल्यू से, राइट। तो आपके डिबेंचर से 1000 100 रुपये का, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़ का, बिल्कुल सही। अब जो हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। 6000 क्या है आपका डिस्काउंट, तो आपने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अच्छा ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया आपका 6000 रुपीज़, कितना आ गया 6000, राइट। अब आपको पता है जो आपने रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है उसकी एंट्री भी आपको अभी करनी होती है, यस नो, अभी करनी है, दो ही तो एंट्री होनी है, इसी में आपको करनी होती है 10% प्रीमियम। मुझे बताओ 100 रुपये का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपये, तो 10 रुपये का आपको लॉस होने वाला है, 3 साल बाद 10 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे तो लॉस होने वाला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने से, 10,000 से, यहाँ लिखा 10,000 से, और यहाँ आपने लिखा उसको 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यस नो। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे आप गलती क्या कर रहे हो, कितना है आपका 10,000। जब भी किसी एंट्री में लॉस और डिस्काउंट एक साथ आएंगे, लॉस डिस्काउंट एक साथ आएंगे, तो बेसिकली कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि भाई ये दोनों जो है ना सेम नेचर के हैं, कंपनी के लिए दोनों ही नुकसान है, तो अलग अलग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इन दोनों को एक ही अकाउंट में क्लब करना है। सर कौन से अकाउंट में, देखो डिस्काउंट जो आपने दिया वो भी लॉस है और लॉस है, यस नो, तो बड़ा टर्म कौन सा है, लॉस। तो आप जो भी डिस्काउंट की एंट्री करोगे वो भी किस में क्लब कर दोगे, लॉस में। तो यहाँ पे आपका डेबिट होगा सिर्फ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइट, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने का टोटल, कितने का था 16,000 का, 6000 रुपये का डिस्काउंट है, 10,000 का लॉस ऑन रिडम्पशन वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दोनों को क्लब कर दिया, कितने से, 16,000 से, कितने से, 16,000 से। तो बेसिकली आपको ये बहुत ध्यान से करना है, इसके नंबर करते हैं, जब भी डिस्काउंट और लॉस साथ साथ आएंगे, जब भी डिस्काउंट और लॉस साथ साथ आएंगे, आपको हमेशा दोनों को क्लब करके किस में डाल देना है, आपको लॉस में डाल देना है, लॉस और इशू डिबेंचर्स में। ये बात समझ में आ गई, राइट। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री कैसे करनी है, आपको बोला है दो बार एंट्री होनी है, दो बार आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक तो 30th सितंबर को आप कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक्सपेंस है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो होता है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। कितने से होगा, हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे होता है, क्या रखना, फेस वैल्यू पे। कितना इंटरेस्ट था आपका, 9%, 9% डिबेंचर मतलब डिबेंचर पे 9% का इंटरेस्ट है, ठीक है। डिबेंचर कितने के हैं,
1000 डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू, तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर है जिसपे आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना है। दोबारा सुनो, 1000 डिबेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो डिबेंचर कितने के है? 1 लाख रुपए के, हमेशा फेस वैल्यू, ठीक है, इस पे 9% इंटरेस्ट पे करना है, मतलब 9000 रुपए। अब ये 9000 रुपए पूरे साल के हैं, 9% पूरे साल का होता है, आपको क्या करना है, 6-6 महीने में रिकॉर्ड करना है, मतलब आधा आधा, तो 4500 आएगा दो बारी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने से? 4500। किसको पे करते हो? ये डिबेंचर होल्डर को, तो यहाँ आपने लिखा टू डिबेंचर होल्डर। हमेशा पहले ड्यू की एंट्री होती है, पहले आप क्या करते हो? ड्यू करते हो, टू डिबेंचर होल्डर 4500। इसके बाद आप क्या करते हो? इनको पे करते हो, हमेशा पहले ड्यू करो फिर पे करो। नेक्स्ट एंट्री 30 सितंबर को ही होती है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने से? 4500 से टू बैंक अकाउंट, टू आपका बैंक अकाउंट कितने से? 4500 से। क्या मेरी बात समझ में आई? यही सेम दो एंट्री आप कहां करोगे? 31 मार्च को, सेम, बिल्कुल सेम, जब आपका 31 मार्च आएगा एग्जैक्ट यही एंट्री आपको करनी है। कब करनी है? 31 मार्च को। तो देखो ध्यान से, सेम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्योंकि एक्सपेंस है, आपने किया डेबिट कर दिया, चलो कितने से? 4500 से। 4500 छः महीने का, 4500 अगले 6 महीने का, टोटल हो गया 9000 रुपये। टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर कितना? 4500। और फिर आप करोगे पेमेंट, सेम डेट पे पेमेंट कर दोगे, डिबेंचर होल्डर डेबिट, पेमेंट की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर डेबिट कितने से? 4500 से टू बैंक। भाई किसी भी क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो भी यही करते हो, है तो एक तरीके का ये क्या, क्रेडिटर ही है, राइट, टू बैंक 4500। समझ में आया? ये हो गई हमारी इंटरेस्ट की एंट्री। अब ध्यान से एक एंट्री जो आप मिस करते हो, देखो आप कोई भी एंट्री कर रहे हो जिसमें आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इन्वॉल्व है, उसका एक रूल होता है राइट ऑफ करने का। सर क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनो, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी आपका एक्सपेंस होता है, कोई भी आपका लॉस होता है, उसको आपको ट्रांसफर करना होता है किसी दूसरे अकाउंट में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट, इसको राइट ऑफ करने का क्या रूल होता है? इसको राइट ऑफ करने का रूल है कि सबसे पहले ये राइट ऑफ होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। डिस्कस करते हैं, देखो मैंने क्या बोला, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, इनको राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ मतलब इनका अकाउंट बंद करने के लिए एक रूल होता है कि भाई सबसे पहले आप SPR को यूज करोगे इनको राइट ऑफ करने के लिए। क्या बोला मैंने? सबसे पहले SPR को यूज करोगे, इसके बाद अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व है तो उनको यूज करोगे, नहीं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे। समझ में आया? लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करने का रूल क्या? पहला SPR, दूसरा कैपिटल रिजर्व, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे क्या है, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पे देखो आपको राइट ऑफ करना है 16000, कितना राइट ऑफ करना है? 16000। क्या आपके पास SPR है? कहीं नहीं है, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, कहीं एंट्री में भी नहीं आया, तो आप क्या करोगे? सिंपल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल दोगे, ठीक है, 31 मार्च स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। भाई एक्सपेंस है, लॉस है, क्या करोगे? डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने क्या किया? डेबिट, अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही। कितने का था? 16000 का, राइट। अब देखो सुनो, हम एक एंट्री और साथ साथ करेंगे, ये तो आपका 16000 का था, बिल्कुल था 16000 का। टू आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 16000, डन डन डन, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो भी क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस, खर्चा है। वो भी कहाँ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 9000 रुपये कहाँ डालोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप चाहो तो एक साथ एंट्री कर सकते हो कि 16000 की जगह 16000, तो ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लिख दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 9000 रुपये, पूरे साल का 9000 रुपये, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चला गया 25000, 25000। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी एंट्री कर रहे हो जहाँ पे लॉस, डिस्काउंट, एक्सपेंस कुछ भी है, वो आपको कहाँ ट्रांसफर करना होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। बस इसका ध्यान रखना, जब भी डिस्काउंट या लॉस होगा तो सबसे पहले SPR, SPR नहीं है तो कैपिटल रिजर्व, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बात समझ में आई, राइट। और इंटरेस्ट को भी आपने कहाँ ट्रांसफर किया? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। एक्सपेंस कहाँ आते हैं? सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, इसलिए हमने उनको क्या किया? डेबिट किया है। बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये थे आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स। ट्रस्ट मी, मैंने आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़वाया, राइट। हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज किया, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वो भी करे। एक केस स्टडी मुझे आपको और करानी है,
आपके सैंपल पेपर में एक केस स्टडी थी, वैसी ही केस स्टडी मैंने एक और बनाई है, तो वो केस स्टडी करेंगे एक अलग वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वो कॉन्सेप्ट यही लगने हैं, उस केस स्टडी में कॉन्सेप्ट यही लगने हैं। तो ये समझो कि इस वीडियो में हमने क्या किया, वन शॉट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया इस चैप्टर के। राइट सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत एफर्ट लगते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सर ये वीडियो हेल्पफुल थी, बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियो भी ले आइए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।